नमस्कार, एग्री मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 17 नवंबर, कल के पिछले हफ्ते की अगर बात करें, पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि पूरे एग्री पैक के अंदर एक अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट था। खास करके अगर हम शुक्रवार के सेशन की बात करें तो वहां पे हमने देखा कि एग्री डेस्क के अंदर एक मिला जुला ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल हमें लगता है कि एग्री में एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स काफी इंपॉर्टेंट है, जिस ढंग से हमने पिछले हफ्ते में भी देखा था कि पूरे एग्री डेस्क के अंदर भी तेजी थी। एडिबल ऑयल का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है। हमने सोयाबीन में 1.25% की तेजी के साथ 4470 का क्लोज होते हुए देखा, रिफाइंड सोया ऑयल में 1050 के ऊपर का क्लोज होते हुए देखा, मस्टर्ड के अंदर 6200 के ऊपर क्लोज होता हुआ देखा, जो कहीं ना कहीं पूरे ही एग्री पैक के अंदर एडिबल का एक दबदबा कंटिन्यू रखा है। जिस ढंग से हमने देखा अभी भी प्रोडक्शन और जो फाइनल स्टॉक्स के अपडेट्स आ रहे हैं रिफाइंड सोया में, वो काफी ड्रॉपिंग दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ये तेजी का रुख कंटिन्यू है। कैस्टर में हमने मिला जुला ट्रेड होते हुए देखा है, बट 47 के ऊपर काउंटर अभी भी स्ट्रॉन्ग है। मसालों के अंदर हमने एक रेंज बाउंड ट्रेड होते हुए देखा है, जबकि चाइना 5300 के ऊपर अभी भी साउंड और स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। कॉटन सीड ऑयल के में भी 1950 के ऊपर काउंटर स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है, जबकि गवार सीड गवार दम दोनों में ही हमने देखा कि 4200 का लेवल तोड़ने के बाद एक दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के ट्रेड सेटअप की अगर बात करें तो सबसे पहले एडिबल ऑयल पैक में अभी भी तेजी का रुख कायम रहेगा, जिसमें सोयाबीन अभी भी अच्छा लगता है। 4400 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, जो 4550 से 4480 तक का लेवल दिखा सकता है। रिफाइंड सोया ऑयल 1050 के ऊपर 1065 से 1070 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। वहीं सीपीओ में भी तेजी का रुख रहेगा, जो 915 के ऊपर करीबन 922 से 924 तक का लेवल दिखा सकता है। मस्टर्ड टेक्निकली ओवरबॉट जरूर है, बट 4200 के ऊपर अगर कंटिन्यू होल्ड करता है तो 6200 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करता है तो 6280 से लेकर 6300 तक का लेवल देख पाएंगे। कैस्टर दिन के सेशन में आज दबाव भरा रहेगा, बट 4700 के करीब लेके चलिए 4780 के टारगेट के लिए। मसालों में आज रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, हायर लेवल्स पे दबाव देखने मिल सकता है। चाइना पिछले 2-3 दिनों में हमने 5250 से 5350 का जो दायरा देखा, इसी दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखा देगा। कॉटन सीड ऑयल केक में लेके काम करना चाहिए, जो 1980 से 1990 तक का लेवल दिखा सकता है, जबकि गवार सीड गवार का दिन के सेशन में दबाव रहेगा, बट आफ्टरनून के बाद तेजी का रुख रहेगा, जो 4220 तक का लेवल गवार सीड में और 6550 तक का लेवल हम गवार गम में देख पाएंगे। कॉटन के प्राइसेस में हायर लेवल पे थोड़ा दबाव जरूर है, बट ब्रेकआउट 20,000 के ऊपर ही है, 20,000 का लेवल तोड़ने पे ही बड़ी तेजी देख पाएंगे। धनिया चार्टिकली अगर देखें तो एक ब्रेकआउट के लिए तैयारी कर रखा है, बट 6600 के ऊपर प्राइसेस होल्ड करता है तो ही एक बड़ा ब्रेकआउट रहेगा, अदरवाइज दायरे पे ही मार्केट ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। सोयाबीन में अभी भी तेजी का रुख कायम रहेगा, जो 4550 से 4600 तक का लेवल दिखा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे।